स्टूडेंट, अब इसके बी पार्ट में हमको क्या करना है? अब हमको बताना है कि जो वाल है वो पॉइंट ए से बी तक जाने में और बी से वापस ग्राउंड पे आने में टोटल कितना टाइम ले रही है। ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया पॉइंट ए से बी तक, यानी जो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम टेकन है वो टी वन है, और फिर बी से ग्राउंड तक आने में जो टाइम टेकन है वो कितना है? टी टू है। ओके, कितना है? टी वन और टी टू है। ठीक है, ओके, टी वन और टी टू। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी से। इस बार क्या है, वी नॉट, वी हमारी वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वी नॉट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम उसको क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, एसोलेशन कितना हो जाएगा हमारा? -10, और टाइम कितना हो गया? टी वन। तो यहाँ से टी वन का वैल्यू हमने निकाला, कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। ओके, अब बी से सी तक जब आने में, तो बी से सी तक जब बाल आ रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एच तो हाइट गई थी और 25 मीटर की जो बिल्डिंग है उसको भी ट्रेवल करके तो ग्राउंड पाएगा, तो यानी कितना हाइट ट्रेवल करेगा? एच प्लस 25 मीटर। ओके, लेकिन जब वो पॉइंट बी से सी के बीच की बात करें तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ओके, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले से लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज इक्वल टू यू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो पॉइंट बी और सी के बीच में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? एच प्लस 25 मीटर। वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। टाइम टी टू हमने कंसीडर किया है कि बी से सी तक आने में कितना टाइम ले रही है। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। एच का वैल्यू हमने 25 20 अभी कैलकुलेट किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 45 ऐड करेंगे तो यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। ठीक है, सो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम पहले कहाँ से पहुँच रहा था? ए पॉइंट से बी तक जा रहा था, टी वन टाइम ले रहा था, और बी से फिर कहाँ जा रहा था? वापस सी पे आ जा रहा था। बी से कहाँ जा रहा था? सी पे। और कितना टाइम ले रहा था? टी टू। तो पूरे बॉल को थ्रो करने के बाद ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, वो हम कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा? टी वन प्लस टी टू, दैट इज 2 प्लस 3 और 5 सेकेंड। क्लियर? ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।